एसोसिएट स्पॉन्सर अमृतांजन रोल ऑन फॉर हेडेक्स ऑन द गो। नमस्कार, बारवाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत कर छिमनलीमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। दाबी पूरण पाई गाँ साथी आत्महत्या उद्यम, बेकरे रसी लगाई देहरे किरोसिन ढाली जीवन देवा उद्यम, पांच जन को गिरफ कला पुलिस। सेबड़े दस दफा दाबी पूरण पाई अड़ी बसी आशाकर्मी, निजुक्ति दाबी संस्कृत शिक्षकों आंदोलन जारी। नुआ वर्षरे नुआ पुलिस डीजी अभयों बदल रे नुआ डीजीपी हेले आईपीएस सुनील कुमार बंसल। नुआ दायित्व देरे मुख्यमंत्री 1987 ब्याचर आईपीएस अफिसर सुनील कुमार। राज्य में आईन श्रृंखला माओदमन रहिबो मुख्य चैलेंज। कमिश्नर पुलिस पाई खोल स्वतंत्र अपराध नियंत्रण शाखा, डीसीपी क्राइम भाव निजुक्त हे नुआ अफिसर। संगठित अपराध और आर्थिक अनियमितता रोकवा दिगरे काम कर टीम। कमिश्नरेट अंचल तीन नुआ थाना को मंजूरी देते मुख्यमंत्री। विभिन्न दाबी नहीं उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री धारणा, दस दफा दाबी नहीं कुलपति कार्यालय घेराव। पिला हॉस्टल मिलून होटेल और प्लाटफर्म शुवा अभोग, छात्र छात्री सहित पिजि काउनसिल अध्यक्षों आलोचना। कटक बीजेपी बीएसकेवाई कार्ड साहा भरसा, निर्वाचन बैतरणी पार होगापी विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड को शासक दल अस्त्र भाव व्यवहार करथुवा अभियोग। वार्ड वार्ड बुली कार्ड बांटुछंती दलर हेवीवेट, विरोधी समालोचना। राज्य में जारी रही शीतर प्रकोप, थंडा सांग को सुखिला रही पाग। 19 स्थान में 15 डिग्री तले रही रातिर तापमात्रा। आज राज्य को प्रवेश कर शुष्क थंडा वायु, 2-3 दिन मध्य 3-4 डिग्री कमिबो तापमात्रा। दाबी पूरण पाई गाँ साथी आत्महत्या उद्यम, बेकरे रसी लगाई देहरे किरोसिन ढाली जीवन देवा उद्यम करते पांच गाँ साथी, तेरे पुलिस से गिरफ कर दस दफा दाबी पूरण पाई अड़ी बसी आशाकर्मी। सेबड़े निजुक्ति दाबी में संस्कृत शिक्षक माने आंदोलन जारी रखिंट। राजधानी राजरास्तार निजर दाबी पूरण पाई गाँ साथी जीवन हार तैयार हो जा। देखु ये दृश्य को, निज देह किरोसिन ढालुंट आत्माहुति उद्यम कराय। पांच जन महिला बेकर रसी लगे पर देहरे किरोसिन ढाड़े को उद्यम करते, तबे ठिकना समय रे पुलिस पहुंची पांच जन को गिरफ्त कर। धारणास्थल पुलिस और गाँ साथी मध्य कि समय पर पटितुंड धस्ताधस्ती होवार दृश्य देखा मिलता। जदि किरोसिन व्यवहार करा जाए एवं निहा लगा जाए तले समस्त विपद अच्छे, तेणु आम जो से बसते अनलॉफुल डिक्लेयर करके कह जगह छाड़ चल जावाई से मैंने जगह छाड़ी एवं चल जाइंट से एरिया संपूर्ण क्लीयर अच्छे। जो मैंने किरोसिन ढाई होती हॉस्पिटल को नहीं चु प्राथमिक मेडिकल जांच करने समस्ते ठीक ठाक अच्छा, कि तथापि जानवापी हॉस्पिटल निहाई 15 वर्ष मैडम बुलाऊ राजस्ता को, कि सरकार ये नवीन पट्टनायक, नवीन पट्टनायक आम भोट दे कि जिते आस दीदी मैंने कि नवीन पट्टनायक आम प्रति किसी सहायता ना किसी भी ना तार टा कि चाउल दब भोट पाइब आस दीदी देखिए संपर्क किस थे सी चिंता कर 15 वर्ष आम जड़ी लुड़ी जड़ी जड़ी मैंने आम दिन रात भी जाणी पारुन जानते केतबले जाइबू कब टीका दिजो किए सेकेंड डोज नाला किए फास्ट डोज नाला किए टीका नहीं तो आसला कि ना आम सब बुझुचु कि सरकार सरकार आम कथा कौन बुझुचु आज पर्यटन। एपट आशाकर्मी को आखिरी लुह कांदी कांदी राज्य सरकार को करुछंति निवेदन। दस दफा दाबी में भुवनेश्वर राजरास्तार राली कर एकाठी होते हजार हजार आशाकर्मी। भुवनेश्वर लोअर पीएमजी में संघ तरफ आयोजित होता विक्षोभ समावेश, सारा राज्य प्राय 10,000 आशाकर्मी एथिरे जोग दे। आज पर्यंत ओडिशा सरकार जे मृत्यु वरण करछन्ते कोरोना महामारी रे, तांको आज पर्यंत कोनोसे तांको सहायता राशि प्रदान करा जाइने।
आमर तेणु से दाबी रही तुरंत से कोरोना योद्धार मान्यता प्रदान करी से सहायता राशि प्रदान करने सहित पर जन को निजुक्ति प्रदान कर प्रमुख दाबी मध्ये रही जातीय स्वास्थ्य मिशन को स्थायी घोषणा कर कार्यरत समस्त आशाकर्मी को स्थायी चाकरीर मान्यता प्रदान कर आशाकर्मी मासिक 18,090 टंका वेतन जोगाई दि जाऊ सामाजिक सुरक्षा नीति दृष्टि आशाकर्मी ईपीएफ और ईएसआई रे अंतर्भुक्त कोविड बेले कार्य करुवा समय मृत्युवरण करोना योद्धा तथा आशाकर्मी पर क्षतिपूरण दि जाऊ पर जन को निजुक्ति दि जाऊ सरकार आमर आशाकर्मी मान सरकार मान्यता देवा आसिक 18,000 दरमा देवा सब पीएच सी एच मानक आशा गृह जोगे देवा आ मृत्यु कालीन जो आशा भौणी मैंने जो करोनार मृत्यु हो जाए 50 लाख टंका घोषणा करते सरकार ताक जोगे देवा एपटे ओडिशा संस्कृत शिक्षक संघर आंदोलन जारी रही ओ ट्रिपल एस सी और सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो सर डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन हो सारी कि आज जाए निजुक्ति दि जाए ना आज को 38 दिन हम राजरास्त बस संस्कृत शिक्षक मान सरकार अणदेखा करी दिन में सरकार जदि दाबी न शुणी तेज यह आंदोलन जोरदार होबोली संस्कृत शिक्षक संघ चेतावनी भुवनेश्वर सतरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज विभिन्न मौलिक दाबी को नहीं उत्कल विश्वविद्यालय में छात्र छात्री धारणा 10 दफा दाबी नहीं छात्र छात्री कुलपति कार्यालय घेराव करिछन्ति विश्वविद्यालय को विभिन्न स्थान छात्र छात्री आसुथुवा बेले रहिबा को हॉस्टल मिलुना फल छात्र छात्री बाहर अर्थात होटल और प्लेटफॉर्म रे सोउछन्ति खाली से नुहे हॉस्टल सम्मुखरे लाइट नथिवारु छात्री सुरक्षा और कैंपस रे नेटवर्क समस्या को नहीं ऑनलाइन क्लास बाधाप्राप्त होने छात्र छात्री भिसी को भेटा को आसुवा बेले से छात्र छात्री दाबी भी शुणी नथिवा अभियोग होइछि छात्र छात्री धारणा को नहीं उत्तेजना देखा बेले पीजी काउंसिल अध्यक्ष आसी पिलांक सहित आलोचना करते 15 दिन भितर यह सब समस्या समाधान होबोली से प्रतिश्रुति देइछन्ति मोर जर्नालीज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट्स ना आम सेल्फ फाइनेंसिंग फाइनेंस कोर्स करुचु जदि आम एंट्रान्स क्वालिफाए करुचु सेल्फ फाइनेंस आम देखिए पाठ पढ़ू तो आम तो किड गेम्स भी पढ़ी पार था हॉस्टल थी तार सुरक्षा गोटे छात्री दाबी रखी कहीं आप जानते हैं उत्कल कैंपस लेडीज हॉस्टल ना इलेक्ट्रिक अच्छी ना बल्ब जलुच्छे ना गोटे पिलाटे पाठ ठीक से पढ़ी पड़ी ना से सुरक्षा तारखे अच्छी प्रथम दाबी है कि लाइब्रेरी 9टा पर्यंत अति कम्रे सका 9टू राति 9टा पर्यंत खोला जाऊ तापर है कि गर्ल्स जो सिक्यूरीटी अच्छी सेपटे जी देखिए आप गर्ल्स हॉस्टल अच्छी अंधारमय से सब एरिया आशा आकांक्षा नहीं आसू आम उत्कल विश्वविद्यालय पढ़मु कितु आज भी देखिले ये आम कैंटीन खोल जाए आज पर्यंत आम समस्त बाहर खाऊ पे विभिन्न दाबी नहीं कि लेखिकी दाबीपत्र से हॉस्टल समस्या रही सीसीटीवी कथा रही लाइब्रेरी रो टाइमिंग टा बढ़ेबा कथा रही स्टूडेंट मानक जोटा प्राप्य हक ये पाठ पढ़ा सहित अन्न कार्य करें सुरक्षित रहीपर से बाबद आम पदक्षेप नबु नुआ बर्षे नुआ पुलिस डीजी सुनील कुमार बंसल को पुलिस डीजी भाव निजुक्ति देखते राज्य सरकार चलित मस शेष पुलिस डीजी अभयंकर कार्यकाल सर केन्द्र पठाई तीन आईपीएस नाम भितर सुनील को डीजी भाव मनोनीत करते राज्य सरकार 1987 बैचर आईपीएस सुनील 1994 केन्द्रीय डेपुटेशन रही वर्तमान से गुईंदा विभाग स्वतंत्र निर्देशक भाव कार्य कर पूर्व संबलपुर अतिरिक्त एसपी और मयूरभंज एसपी भाव कार्य कर सारी सुनील नूतन भाव दायित्व नेपर राज्य अपराध नियंत्रण आईन श्रृंखला परिस्थिति और माओ दमन सहित गुईंदा निरीक्षण सुनील बड़ चैलेंज हो सबसे बड़ प्रमुख चैलेंज रहिबो लोकल बॉडी इलेक्शन जो अच्छी हाँ एटारे कहीं बेसी आईन श्रृंखला परिस्थिति उत्पन्न हुए ये नक्सल तो चैलेंज रोजी सब प्रकार मैंने आस्ते आस्ते आमर नक्सल परिस्थिति उपरे नियंत्रण बढ़ी बढ़ी जाऊँगी क्राइम कंट्रोल विशेषकर आपनर साइबर क्राइम बहुत गुड़ी बहुत रफ्तार बढ़ुची कमिश्नर पुलिस पर खोल स्वतंत्र अपराध नियंत्रण शाखा डीसीपी क्राइम भाव निजुक्त हे नुआ अफिसर संगठित अपराध और आर्थिक अनियमितता रोकवा दिगरे काम करी टीम बढ़ुची निशा कारबार अपराधी चराभुई पलटि ट्विन सिटी
चोरा बंधुक कारबार ठारु आरंभ करी ब्राउन सुगार बेपारी हब एवं कटक और भुवनेश्वर एभली किछि अपराध को दमन करने कमिश्नरेट पुलिस खोल स्वतंत्र अपराध अनुसंधान शाखा यार दायित्व में जड़े डीसीपी रहा सहित जड़े अतिरिक्त डीसीपी तीन एसीपी नौ इन्स्पेक्टर बार सब इन्स्पेक्टर भाई अड़सठ जन पुलिस कर्मचारी को नहीं शाखा कार्य कर ट्विन सिटी क्राइम कंट्रोल पुलिस चैलेंज सृष्टि करता बेले संगठित अपराध रोकवा दिगरे कार्य करेंगे डीसीपी क्राइम से कमिश्नरेट अंचल तीन टी नुआ थाना को मंजूरी देते मुख्यमंत्री बालियांता थाना अधीन काम करुवा पहाड़ फांडी जटनी थाना अधीन काम करुवा इन्फो भैली फांडी और कटक सदर थाना अधीन काम करुवा बेंटकार फांडी को उन्नत कर नूतन थाना सृष्टि वर्धित जनसंख्या दृष्टि लोकों उत्तम पुलिस सेवा जोगाई देवाई थाना सहायक होती पुलिस कमिशनर एवं ट्विन सिटी में भुवनेश्वर और कटक सहित ट्राफिक भली तीन डीसीपी कार्यरत अच्छा बड़ धरणर अपराध रोकवाक क्विक एक्शन टीम और स्पेशल स्क्वाड थी बेले स्वतंत्र अपराध अनुसंधान शाखा सामिल हो पारे क्यूएटी माननीय मुख्यमंत्री आज कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरेट तीन टा नुआ थाना क्रिएसन को अप्रूव कर गोटे स्पेशल क्राइम यूनिट को क्रिएट कर ऑर्डर देखते मु पर्सनल बिहाफ रे एंड उड़ीसा पुलिस बिहाफ रे ए फैसलार स्वागत करुच्ची एवं माननीय मुख्यमंत्री को निजर कृतज्ञता जनाऊँ जे स्पेशल क्राइम यूनिट अच्छी तार तीन भाग रोटे एंटी फ्रॉड यूनिट रोटे नारकोटिक्स यूनिट रोटे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रनटा थाना होटे कटक कमिश कटक यूपीडी अंडर में बयालीस मौजा भयंकर जे जगह अच्छी अपग्रेड कर जोड़िए जो भुवनेश्वर इन्फो भैली आउटपोस्ट अच्छी ताको अपग्रेड करा जाउची एवं पहाल करके जो आउटपोस्ट अच्छी ताको अपग्रेड करा जाउची ए तीन टा थाना एवं गोटे स्पेशल क्राइम यूनिट पाइला परे कमिश्नरेट पुलिस इफिशिएंसी बहुत बढ़िबो पब्लिक रो ग्रीवांस को आम बेटर हैंडल कर पारिबु एवं जे क्राइम एवं लॉ एंड ऑर्डर ए अंचल रे अच्छी ताको आउट भल आम रिस्पोंस दे पारिबु खूब कॉम्प्लेक्स ये केस अच्छी खूब भल इन्वेस्टिगेशन करी पारिबू आज कमिश्नरेट पुलिस पाई गोटे सौभाग्य और गर्वर दिन माननीय मुख्यमंत्री गत काली समग्र ओडिशा रे 11टी साइबर और इकोनॉमिक ऑफेंस थाना खोलिवार घोषणा करथिले जहां मध्यरे दुईटी थाना कटक और भुवनेश्वर रे करा जीव बोली निष्पत्ति निया जाई जे द्वैत नगरी रे तीनोटी नुआ थाना गठन करा जीव ए तीनोटी थाना हला पहाड़ इन्फो भैली एवं बयालीस मौजा बेंटकार जोटा कि कटक अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे अछि। नीति आयोग और राज्य सरकारों मध्य होता बैठक शेष हो बैठक पर नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते केन्द्र सरकार और राज्य सरकार किपर मिसिकर विकास दिगरे कार्य करें से नहीं आलोचना हो राज्य सरकार बहु प्रसंग उठाई या समाधान दिगरे प्रयास बहु केन्द्रीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उपस्थित थे नीति आयोग भी एक प्रेजेंटेशन देखते 2011-2020 मध्य देश तुलन राज्य में मुंडपिछा आय बढ़ी पोषण क्षेत्र में राज्य भल कम कर विकास अभिवृद्धि और गरीब लोकों कार्य सहित आकांक्षी जिले में भल कार्यपाई कौन पदक्षेप निपर से नहीं आलोचना हो रेगुलरली चलो एस डी जी हूँ जो जो सेक्टर आम गैप अच्छी विभिन्न गैप सब अच्छे केमी आम आहरी इम्प्रूव कर विभिन्न फिल्ड में से सब विषय डिस्कसन करा गरीबी से लोगों को और उठाने के लिए और आकांक्षावादी जिलों में और बेहतरी करने के लिए क्या और कर सकते हैं इस पर अच्छी बातचीत हुई है माइंस पे बहुत बात हुई है और ये बताया गया कि कितनी बड़ी राशि कितनी बड़ी वेल्थ उड़ीसा के पास है और एक हमारे एडवाइज़र साहब ने कहा कि मतलब उड़ीसा तो इंडिया का पूरा एक ऑस्ट्रेलिया बन सकता है जहाँ जहाँ हमारा प्रपोजल थी सब गुड़ा प्रेजेंट कराला एंड डिटेल डिस्कसन कराला एवं बहुत गुड़िया जिनस सॉर्ट आउट कले मिनिस्ट्री ऑफिसर मान सहित डिस्कसन करेगुलरली कृषि और कृषकों समस्या को नहीं कांग्रेस रो राजभवन निकटे धारणा प्रदेश किसान कांग्रेस पक्षर् धारणा दी जाएगी पीसीसी सभापति समेत बहु कृषक नेता सामिल होते केन्द्र और राज्य सरकार कृषक मारण नीति विरोध में बर्षिंट कांग्रेस नेता बात्या जवाब में क्षतिग्रस्त को तुरंत क्षतिपूरण सहित अन्य एगार दफा दाबी नहीं धारणा दी जाएगी इन राज्यपाल एक स्मारकपत्र दल तुरंत चाषी समस्या प्रति ध्यान नदे व्यापक आंदोलन करने को चेतावनी दी जाएगी।
ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୂଳ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଘୋଳ ନିଦରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୋଇଛନ୍ତି। आगको पंचायत और पौर निर्वाचन एपरी स्थल में कटक निर्वाचनी बैतरणी पार होगापी विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड को अस्त्रोपरी व्यवहार कर शासक दल नेता मुख्यमंत्री यार शुभारंभ करने वार्ड वार्ड बुली दलर हेवीवेट नेता और छात्र नेता बांटुंट बीएसकेवाई कार्ड जहां प्रश्न उठाई विरोधी विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड को अस्त्र परी व्यवहार करुछि शासक दल कटक मुख्यमंत्री यार शुभारंभ करते वार्ड वार्ड बुली दलर हेवीवेट नेता और छात्र नेता बांटुछन्ति बीएसकेवाई कार्ड जहां उपरे प्रश्न उठाई विरोधी। कटक महानगर निगम विभिन्न वार्ड बुली हिताधिकारी बीएसकेवाई स्मार्ट कार्ड बंटन करुछन्ति दलर हेवीवेट। पूर्वतन विधायक तथा जिला बीजेडी सभापति देवाशी सामंतराय राज्यसभा सांसद सुभाष सिंह नगर सभापति मधुसूदन साहू दर स्टार प्रचारक अरिंदम राय पूर्वतन कॉर्पोरेटर रंजन विश्वाल समेत अन्य नेता और कर्मी समस्ते एवं कार्ड बांटा लगि पड़ते आगक पंचायत और पौर निर्वाचन आसुची शासक दल बीएसकेवाई कार्ड मध्यम बैतरणी पार होगापी चेष्टा करोधी अभोग कर नेता द्वारा बीएसकेवाई कार्ड बंटन को विरोध करी सीएमसी कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करी मो कटक सुरक्षा मंच विजु स्वास्थ्य कार्ड को से अस्त्र करी भावुंट पारे बोली किंतु विजु स्वास्थ्य कार्ड रे वर्तमान जो मैंने अन्य जिले में सब नहीं मेडिकल को जाने भी हेल्ले सुफल पाई ना ये फॉल्स कार्ड बोली लोक भी जाणीगले आने खाली मानने ये भयभीत एत ये तेणु या द्वारा से माने जो भावुंट बैतरणी पार हे सेटा दिबा स्वप्न से माने देखुं ये कार्ड कौन मूल्य अच्छे ये कार्ड खाली भेड़ी की देखे कुआडे गला इते दिन कोरोना गला थर्ड लहर आसी पशिला थर्ड लहर पर सब प्रस्तुति आम जनसाधारण करूँ मोदीजी प्रेरणा में मोदीजी मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी अहरह स्वेच्छासेवी हेल्थ वर्कर मैंने काम लगी तुम्हें ये कौन कर भेड़ी लगो निर्वाचन पर कार्ड बांटा प्रहसन करुच सरकारी अफिसर मान जरिए आपको आम विरोध कर गरीब खटिकिया झाड़ पैसा ये हूँ आम मान टिकस पैसा यहाँ गोटे सरकारी नियम तेणु ये सरकारी नियम केवल सरकारी लोक ही निजुक्ति हवा कथा किंतु दलय जो राजनीति करने जो हीन राजनीति करें प्रतिवाद करुँ आगामी दिन में जब यही कार्यक्रम जारी रमें बाध्य प्रतिवाद करने आम आम स्तर में प्रतिवाद कर चिंता कर अनेपटे वार्ड संरक्षण तालिका प्रकाश पाइबा परे एबेठारु अंक कसाकसी आरंभ कर तीनी प्रमुख दल वार्ड वार्ड बुली लोकों समस्या बुझा सह शीघ्र समाधान करने प्रतिश्रुति देउछंती कटक बारबटी विधायक मोहम्मद मुकिम सेबडे तालदंडा केनाल सौंदर्यीकरण एसीबी मेडिकल द्वितीय क्यांपस उन्नतिमूलक कार्य सहारा रे लोके बीजेडी को भोट दे उभय मेयर और अशी भाग कॉर्पोरेट जितेबे दृढ़ोक्ति प्रकाश कर जिला बीजेडी सभापति देवाशी सामंतराय विगत निर्वाचन में कांग्रेस प्रति आस्था प्रकट करछंती कार्यक्रम आशा करूछु जो असंपूर्ण कार्य अच्छी पूर्ण करेंगे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन में जयुक्त कर कांग्रेस को विजु जनता दल प्रस्तुत अच्छी निश्चिंत भाव एथर सीएमसी रो मेयर आ 70-80 भाग कॉर्पोरेटर आम जितने बोली 69 वार्ड रु आम आशा रखी पौर निर्वाचन तीन दल प्राक प्रस्तुति भोटे केणत हो कह कटकु कैमेरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य बीजेपी कृषक मोर्चार राज्य कार्यकारिणी बैठक कटक सरला भवन में अनुषित हो राज्य कृषक मोर्चा पक्षर् सभापति प्रदीप पुरोहित नेतृत्व में अनुषित हो कार्यक्रम ए मुख्य अतिथि भाव राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती कृषक मोर्चा ओडिशा प्रभारी तथा राष्ट्रीय संपादिका पिंकी शिवराज राज्य साधारण संपादक गोलोक महापात्र प्रमुख जोगदेते राज्य में कृषकों पर कुंभीर कांधना कांधुवा सरकार कृषक विरोधी नीतिगुड़ी तीव्र वर्षना करते नेता मंडी व्यवस्था कटनी छटनी द्वारा क्षति
ଚାଲୁଥିବା ମିଲରକୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଗତ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ବି ଶୁଖିଲା ରହୁଛି। 19 ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 0.5-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.5-2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡାବାୟୁ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 19 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 0.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.5-2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। 13 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ତାପ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5, ଫୁଲବାଣୀ 10, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 10.8, କେନ୍ଦୁଝର 11.2, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 11.3, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 12, ସୋନପୁର 12.4 ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ 1.6, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝରରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକଠାରେ 0.1 ଡିଗ୍ରୀ। ଡେଲିଭରିଂ ଡେମୋକ୍ରାସି, ରିଭିଙ୍ଗ ଦ 2 ଡିକେଡ୍ସ ଅଫ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାସି, ନିଜେ ବଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जियो और जीने दो, जिसका सीधा ट्रांसलेशन है ट्रस्टीशिप कहिए, रस्किन का अनटू दिस लास्ट कहिए, सर्वोदय कहिए, अंत्योदय कहिए, दीनदयाल उपाध्याय का, विनोबा भावे का, कुछ भी कहिए, उड़ीसा ही प्राण है पूरे ब्रह्मांड का और उसी उड़ीसा की संस्कृति मानव संस्कृति है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ भेद नहीं है, चातुर्वर्ण यहाँ नहीं चलता, यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ केवल एक बात चलता है कि मैं नयन से सबको बराबर देखता हूँ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓମ୍ ସ୍ୱାହାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସିଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହଭାଗିତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଜ୍ୟୋତି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଓ ସୁସ୍ମିତା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜକ ବିଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ଏହା ସହିତ ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଇରା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଳୟ ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଏବଂ ହର ବାରିକ। କ୍ୟାରିୟରଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି କି ଯେମିତି ଦିଲୀପ ଦାଦାଙ୍କ ମୋ ଯୋଡ଼ିଟା ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତୁ ମୋ ହିରୋ ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇରେ, ସେମିତି ଏଇଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କରିବି ଲୁବନ ସାର୍କୁ ଯିଏ ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୁବନ ଟୁବନ ଆଣ୍ଡ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି କି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲୀପ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କର। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।